course, welcome to IWM Buzz. I think your last performance सभी को काफी ही पसंद आया. I know, I think वो अभी तक इंस्टा पे सभी फैंस रिपोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. तो अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो आपने लास्ट वीक परफॉर्म किया था, एंड ये वीक में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द ऑन दिस थिंग फॉर एन इंटरव्यू. एंड जो लास्ट परफॉर्मेंस था विथ साहिल एंड अंजलि, जो कि मेरा सुसाइड वाला एक्ट था, आई एम एन इमोशनल गाय, काफी इमोशन भरे जो मैं दिखाता हूँ अपने एक्स के थ्रू. एंड जब आपके पास कंटेस्टेंट्स ऐसे अच्छे मिलते हैं ना, लाइक साहिल एंड अंजलि, सो यू कैन ट्राई सो मैनी थिंग्स, सो मैनी न्यू कॉन्सेप्ट, सो मैनी न्यू वे ऑफ शोइंग और एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्ट. सो विथ साहिल एंड अंजलि इट मेड इट लुक मोर कन्विंसिंग. एंड थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि यू नो वी आर शूटिंग आउट ऑफ मुंबई, एंड वहां पे उतना स्टेज रिहर्सल हमें मिल नहीं पाता फॉर कोविड रीजंस. एंड बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं. एंड क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसा था जहाँ पे यू नो वो दोनों सुसाइड करने जा रहे हैं, मैं जाता हूँ उनको रोक देता हूँ, और एंड में उनको पता चलता है कि यार ये बंदा जो मैं रोकने के लिए आया था इसने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था. तो वहां से भाग के नीचे पोजिशन लेके फिर से भाग के ऊपर जाना है, ऊपर ऊपर नीचे करना काफी डिफिकल्ट था. बट आई एम सो हैप्पी कि जजेस को ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. एंड फैंस तो अभी भी मुझे बहुत सारे डीएम किए जा रहे हैं, रिपोज जैसे आपने कहा कि रिपोज किए जा रहे हैं, बहुत सारे कॉमेंट्स आए मुझे, मेल्स पे भी आ रहे हैं बहुत सारे अप्रिसिएशन. एंड इस वीक उससे भी बेहतर आपको एक देखने मिलेगा, जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ पीयूष के साथ ऑन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स तड़प तड़प के. गाना सुन के आप समझ ही गए होंगे कि उसमें भी इमोशन होगा. इमोशन तो है, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़की उसको ना बोल देती है, रिजेक्ट कर देती है, हम सब इस चीज से गुजर चुके हैं. बस उसी इमोशन को मैंने अपनी यू नो इन माई वे आई ट्राई टू पोर्ट्रे. तो मैंने एक रिलेशन दिखा है बिटवीन अ जोकर एंड अ मिरर. तो जोकर के लिए मिरर सब कुछ है. जैसे आप देखोगे तो माधुरी मैम ने एक अच्छा कॉमेंट कहा था उसमें कि हमें रिफ्लेक्स हमें मिरर में वही दिखता है जो हम देखना चाहिए, जो जो सामने होता है वही आपको मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है. आपको एक जोड़ीदार मिलता है. अगर आप खुश हो तो मिरर में आपके रिफ्लेक्शन भी खुश है, आप सैड हो तो रिफ्लेक्शन भी सैड है. उसी चीज को लेके मैंने पूरा एक एक्ट बनाया. एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि ऑडियंस को ये अच्छा लगे. ओके, सो जब बात की जाए डांस दीवाने की, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि आप जोड़ीदार के रूप में स्टेज पे परफॉर्म करें, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि कितने दिनों के बाद आप फिर से स्टेज पे जाओगे और कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करना रहेगा? तो वो जो गुरु शिष्य का जो जोड़ी होता है वो देखना काफी दिलचस्प होता है. सो नाउ दिस इज द थर्ड सीजन ऑफ डांस दीवाने. आई हैव फॉलोड सीजन 1 सीजन 2, बट मेरा ये फर्स्ट सीजन है as a choreographer to work on this show. तो excitement तो वैसे ही थी क्योंकि मैं first time काम कर रहा हूँ dance दीवाने पे, and plus धर्मेश भी वहाँ पर है judges panel पे, plus माधुरी मैम, plus तुषार मेरा भाई, and और एक plus thing कि राघव भी है as an anchor. तो काम दिखाने का वो एक और ना एक वो boost मिल गया, काम अच्छा दिखाना है. Secondly जब performance करने के लिए call आया, so I was really happy क्योंकि as compared to season 1 and season 2, सीजन 3 में ना काफी अच्छे डांसर्स हैं. भले आप जनरेशन 1 को देखो या 2 को देखो या 3 को देखो, दे आर वेरी गुड डांसर्स जो कोई भी रियलिटी शो पे फिट हो सकते हैं. एंड आई वाज लाइक कि अभी मुझे कोई भी मिले, या तो हमें मुझे मेरे डांसिंग स्टाइल वाइज मिलेगा या फिर थोड़ा ऑफ भी मिल सकता है, कॉन्ट्रास्ट भी मिल सकता है. एंड मुझे बोला गया कि साहिल अंजलि, एंड क्योंकि मैं साहिल अंजलि को पहले से जानता हूँ, आई हैव सीन देयर ग्रोथ, दे आर वेरी बिग एंड वेरी गुड डांसर्स. आई एम नॉट एज गुड एज देम, चैलेंज फॉर मी टू मैच देम. एंड जैसे वो होने लग गया, हमें फिर से बताया गया कि पॉल अगले वीक भी परफॉर्म करना है, बट कंटेस्टेंट कोई और होगा. एंड कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि मुझे पीयूष के साथ परफॉर्म करना है बिकॉज ऑफ द वे ही कैचेस द लिरिक्स एंड द बीट. धर्मेश का फेवरेट है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरा ही वो फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स बिकॉज़ ऑफ द डांसिंग स्टाइल एंड द पर्सन ही इज.
तो जब पता चला कि और एक परफॉर्म करना है तो क्योंकि ना ऑलरेडी साहिल अंजलि के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो बॉडी थोड़ा नो वार्म्ड अप हो गया था एंड आई वाज लाइक चलो यार अब पीयूष के साथ करने में मजा आ जाएगा. पर वहां पर भी वही चैलेंज था क्योंकि पीयूष भी बहुत ब्रिलियंट डांसर है, बहुत क्विक है, बहुत लाउड है एंड बहुत स्मार्ट है, एज अ डांसर इज वेरी मैच्योर्ड. तो उसके साथ मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्ट करना था एंड द जजेस रियली लव्ड इट. सो या द व्हाट वी से द एक्सपीरियंस वाज वेरी एक्साइटिंग. ओके सो पॉल, हमने आपका और धर्मेश का एक स्मॉल एक्ट भी देखा था लास्ट वीक जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया. नो काफी दिनों के बाद धर्मेश और पॉल एक साथ नजर आए एक स्टेज पे, तो आपके लिए वो रियूनियन कितना खास था? वो मेरे लिए काफी इमोशनल मोमेंट था. हालांकि मतलब मैं रोया नहीं पर मैं बहुत जल्दी रो पड़ता हूँ एंड क्योंकि जब दोस्तों की बात आती है एंड दोस्तों में भी जब धर्मेश की बात आती है सो इट टचेस यू एंड बहुत दिल से मैं बहुत बार बोला है स्टेज पे एंड ये सच बात है कि हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं. सालों से क्या हुआ है ना, हम जब से मैंने DID किया है एंड आई वॉज इन DID एंड आई वॉज ऑन अ शो, उसके बाद से जब धर्मेश के साथ काम करना शुरू किया था सो मी राहुल हर्ष राघव भी हम हमेशा धर्मेश के घर पे रहते थे ऑलमोस्ट नाना बोल के कुछ एक 7-8 साल स्टे एट हिज प्लेस. तो बॉन्डिंग इतनी बढ़ गई थी ना एंड मैंने बहुत पहले कोई तो एक शो पे धर्मेश के साथ एक छोटा सा मोमेंट किया था डांसिंग की. आज ये मौका मिला फिर से स्टेज पे स्टेज शेयर करने का धर्मेश के साथ एंड स्टेज पे अगर मैं उसके साथ खड़ा भी रहता हूँ आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. इट्स माय ऑनर टू बी विथ हिम. सो वो मोमेंट काफी इमोशनल था एंड आई होप एंड प्रे कि ये मोमेंट मुझे हमेशा मिलते रहे. और माधुरी दीक्षित मैम के साथ स्क्रीन शेयर करना वो कितनी आपके लिए कैसा महसूस होता है जब आप माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करते हो? ऑफ कोर्स हम सभी माधुरी मैम की मूवीज देख के उनके गाने देख के बड़े हुए एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव इन आवर कंट्री एंड उनके मुंह से मेरा नाम सुनना पॉल कि पॉल आपकी कोरियोग्राफी अच्छी थी, पॉल आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, पॉल आपने डांस अच्छा किया, पॉल मैं हमेशा कंटेस्टेंट्स को सिटी देती हूँ, इस बार मैं पॉल आपको दूंगी सिटी. तो जितने बार भी मैम ने मेरा नाम लिया है ना मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम, सच में सपने की तरह था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में माधुरी मैम के मुंह से मेरा नाम सुनने मिलेगा. एंड भले वो 10 मिनट के लिए था वो कॉमेंट सेक्शन या 15 मिनट के लिए, बट जितनी बार भी मैम मुझे आंखों में देख के बात कर रही थी आई वॉज फीलिंग सो गुड कि मतलब यार ये मैम मुझसे बात कर रही, मतलब मैं जो चाहू बात कर सकता हूँ, मुझे कहीं से चुपके आके बात करने की जरूरत नहीं है, डर के बात करने की जरूरत कि मैम मुझसे फेस टू फेस बात कर रही है. एंड जब वो परफॉर्मेंस जब देखा TV पे तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी कि माधुरी मैम मेरे बेटे का नाम ले रही है, मेरे बेटे से बात कर रही है. तो यू नो थोड़ा वो ऐसा वाला Okay, so finally, any message for the audience who are eagerly waiting to see your special dance performance this week? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा ऑडियंस ने मेरे एक्स को देखा है एंड पता नहीं मतलब ये कैसे कोइंसिडेंस है कि क्या मतलब, पर जितने बार भी मैंने परफॉर्म किया है किसी भी स्टेज पर किसी भी कंटेस्टेंट के साथ या फिर सोलो या फिर डुएट जो भी है, मुझे हमेशा लोगों ने सहारा है एंड बहुत ज्यादा प्यार दिया है. और मैं चाहूंगा कि ये प्यार कभी कम ना हो, ये प्यार कभी रुके नहीं पर ये प्यार बढ़ते जाए एंड प्लीज डू वॉच क्योंकि आई एम श्योर कि मेरी तरह आपका भी ये गाना फेवरेट होगा, मेरी तरह आपका भी दिल कभी टूटा होगा यू नो बैक ओल्ड डेज में या फिर आप कभी किसी लड़की को प्रपोज करते हो और ना बोल देती है एंड आपने भी आईने के सामने आके आप रोए होंगे, अपने फीलिंग्स शेयर की होगी खुद से खुद के रिफ्लेक्शन के साथ. सो प्लीज डू वॉच दिस परफॉर्मेंस और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये परफॉर्मेंस पहुंच पाए एंड बस प्रे करना कि मैं हमेशा परफॉर्म करते रहूं. सो थैंक यू पॉल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच.